नमस्कार दोस्तों दोबारा स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे मल्टीपल वी लुकअप जहाँ यहाँ पे देख रहे हैं आप मल्टीपल वेल्यू कप क्या होता है मल्टीपल वी लुकअप में क्या होता है कि एक बार एक फॉर्मूला सेट कर दिया उसी फॉर्मूला के आधार पे अपन कई कॉलम में एक साथ फॉर्मूला लगा सकते हैं तो दोस्तों ये मल्टीपल वेलूकअप के लिए मैंने क्या किया ऊपर सब के हेडर डाल दिए इन सब में एक साथ अपना फॉर्मूला लगाना है तो कैसे लगाएंगे दोस्तों ये सबसे पहले ये अपन ने फर्स कोड डाल दिया ये डेटा है यहाँ पे डेटा में एफर्स कोड यहाँ पे और ये सभी एक साथ मुझे वेलूकअप लाना है वेलूकअप से डेटा लेके आना है तो कैसे लाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे जाते हैं अपन सबसे पहले क्या करेंगे एक ऊपर इंसर्ट करेंगे रो रो इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे अपन क्या करेंगे सेम सिंपल भाषा में अपन ने यहाँ पे लगाया है यहाँ लगाने के बाद में सेम की अपन ने किया। कोमा लगाया देन अपन को जिस डेटा से लाना है वहां से अपन क्या करेंगे कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट करेंगे देखिए दोस्तों मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऊपर कॉलम नंबर भी आ रहा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से कितना कॉलम नंबर है इससे आगे टू थ्री टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टीन इलेवन टू इलेवन थर्टीन नाइनटीन एटीन तक का कंप्लीट है तो कोमा टू कोमा जीरो तो दोस्तों ये तो हो गया अपना वी लुकअप आगे अभी क्या करना है मेरे को इसी से ही कंप्लीट लगाना है तो दोस्तों यहाँ पे जो आप फॉर्मूला बार में देख रहे हैं यहाँ पे आप क्या करें जो ये टू दे रखा अपन कॉलम इस पे अपन क्या करें ऊपर का एड्रेस दे देंगे एड्रेस दे कर के अपन क्या करेंगे एफ फोर से इसको फ्रिज करेंगे तो फ्रिज क्या करेंगे अपन वन जहाँ लिखा हुआ है उसी को ही फ्रिज करेंगे इससे क्या होगा दोस्तों कि एक नंबर रो जो है वो फ्रिज हो जाएगी ये आगे बढ़ता जाएगा लेकिन एक नंबर रो से आगे बी सी डी ई एफ ये चलता जाएगा तो इसको अपन ने फ्रीज कर दिया दूसरा दोस्तों जो अपन डेटा की रेंज सेलेक्ट करिए इस डेटा की रेंज को कंप्लीट एफ फोर से अपन फ्रीज कर देंगे तीसरा दोस्तों ये जो ए कॉलम है इसमें अपने को क्या करना है ए कॉलम को फ्रीज करना है ना कि ए थ्री को तो दोस्तों इसमें एफ एक बार दबाए तो कम्प्लीट फ्रीज हो गया दूसरी बार दबाए तो थ्री फ्रीज हुआ है और तीसरी बार दबाया तो ए फ्रिज हुआ ऐसा करने के बाद में अपन एंटर मार देंगे एंटर मारते ही क्या हुआ दोस्तों एरर आ गया अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे दो रख देंगे दो क्यों लिखा है क्योंकि इस फॉर्मूला में अपन ने यहाँ पे पहले टू कॉलम लिया था वहां पे अपन ने ये रेंज दे रखी है तो इस रेंज से क्या किया है इसने दो को सेलेक्ट किया है अब दोस्तों यहाँ पे क्या है जितने कॉलम है प्लस वन करके अपन इसको कॉलम को इजी तरीके से कॉपी करेंगे और लास्ट का जो भी कॉलम है यहाँ तक पेस्ट कर देंगे ऊपर हो गई है। अब दोस्तों इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से जाके जो लास्ट का कॉलम है यहाँ तक पेस्ट कर देंगे दोस्तों ये देखिए कंप्लीट सभी कॉलम में एक साथ वीलो कप लग गया है ठीक है लगने के बाद में कंट्रोल एरो डाउन से नीचे जाएंगे सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करके जितने कॉलम अपने को वीलो कप लगाना है उसमें अपन जाके कंट्रोल डी कर देंगे तो दोस्तों ये हो गया मल्टीपल वी लुकअप अब आप देखेंगे ना कंप्लीट एक साथ लग गया है एक साथ लगने के बाद में अपन क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल सी करके ओल्ड ई एस वी ये शॉर्टकट है ओल्ड ई एस वी तो इसमें जाके वैल्यू जाके फॉर्मूला हटा देंगे तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला ये समझ में आएगा मल्टीपल वैल्यू का इजी तरीके से और फिर अपन क्या करेंगे इस कॉलम को अपन यहाँ से वापस रिमूव कर देंगे ये था दोस्तों आज का मल्टीपल वी लुकअप आशा अच्छा करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा और ये बहुत ही अच्छा तरीका है आप एक साथ कई कॉलम में वी लुकअप अच्छा लगाने का और ये बहुत अच्छे तरीके से आप सीख रहे हैं कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट में डालिए दोस्तों सब्सक्राइबर बढ़ाइए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए क्योंकि ऑफिस में काम आने वाले यही एक आ, चैनल है जिसके थ्रू ऑफिस में क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं उसके बारे में बताया जाता है धन्यवाद दोस्तों जय हिंद